लखीमपुर की सदर तहसील के अंतर्गत डिगुरपुरवा गांव के लोगों के घरों में पानी भर गया तो शारदा नहर के किनारे त्रपाल के नीचे बसेरा कर रहे हैं। वहां पर नल ना होने के कारण पानी की दिक्कत हो रही है। वहां पर प्रशासन पूरी बटवा रहा है। वहां के लोगों ने बताया है कि हम कई दिनों से रह रहे हैं, पूरी केवल 2 दिन बटी है और आगे प्रशासन क्या मदद करता है ये देखना है। इस वक्त हम नकहा बिलाकी ग्राम पंचायत अटकोहना में मौजूद हैं, जो कि ये डिंगुरपुरवा ग्राम लगता है और यहाँ नहर पे ये लोग रह रहे हैं। बाढ़ प्रभावित एरिया है जो कि यहाँ ये लोग रह रहे हैं नहर के ऊपर। इनसे हम जानेंगे क्या क्या समस्याएं इनकी हैं और कौन कौन अधिकारी इनसे मिलने आए हैं। जी भैया बताइए, क्या नाम आपका है? ओम प्रकाश। कहाँ रहते हो? यही डिंगुरपुरवा। कौन कौन अधिकारी आपसे मिलने अभी तक आए हैं? आप 8 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। अधिकारी यहाँ तक कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आए? बस लेखपाल आए हैं, परसों आए हैं, कल आए, यहाँ तक खड़े रहे, आज ही गाँव तक गए हैं, फिर वहाँ से वापस आएगी। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था कोई आप लोगों के लंच पैकेट वगैरह मिला? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं मिला है। कितने दिन से पानी भरा हुआ है? पानी एक हफ्ते ज्यादा। यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ एक हफ्ते आए हुए हैं। ज्यादा रह रहे हैं, पूरे परिवार से यहाँ रह रहे हैं? इन्होंने बताया पूरे परिवार से यहाँ रह रहे हैं। कोई अधिकारी अभी तक यहाँ जाँच करने नहीं आया है और ना तो किसी को लंच पैकेट दिया गया, ना किसी को कोई व्यवस्था मिली है। और भैया बताइए, क्या नाम आपका? हमारा पाई कर्मा नाम। कहाँ रहते हो? लोधनपुरवा रहते हैं। तो यहाँ कितने दिन से बाढ़ प्रभावित है एरिया? अरे बाढ़ आज 8-9 दिन है। 8-9 दिन सब यहीं पर है। तो आप लोग यहाँ कितने दिन से पड़े हो? मैं बताया 8-9 दिन हो जाए। सरकार के द्वारा कोई खाने वाने की व्यवस्था मिली? यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं आया। लंच पैकेट वगैरह कुछ नहीं आया? कुछ नहीं। कोई अधिकारी आया? कोई नहीं। इनका भी कहीं ना कोई अधिकारी यहाँ हमसे मिलने नहीं आया, ना तो हमको कोई भोजन दिया है और हम लोग बहुत परेशान हालत में है यहाँ पे। 8 दिन से बाढ़ से यहाँ नहर पे पड़े हुए, खाने की व्यवस्था इनके पास है नहीं। और भी हमारे साथ में, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम आपका है? विश्राम। कहाँ रहते हो? डिंगुरपुरवा। कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं आज हो गए 8 दिन। मैं बच्चों सहित रह रहे हैं। हाँ, मैं बच्चों सहित रह रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था कैसे? खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं किया है। जो कहाँ से खा रहे हैं? जो कुछ अपने चून रोटी जुड़ा वह खाए रहना। सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं है सरकार के द्वारा। अच्छा, लेखपाल आपसे मिलने आए थे, लेखपाल ने क्या बताया है? लेखपाल ने बताया बूढ़ा देख लेने, लिख लेने, आधार उधार ले गए हैं, लिख के अपन परिवार लिख ले गए हैं, बस सर्वे करके ले गए। हाँ, सर्वे करके ले गए हैं। सर्वे करके और कोई कुछ नहीं दे गए? और कुछ नहीं देगा है कोई। खाना पीने व्यवस्था कोई नहीं? कोई नहीं। ये साधु इन्होंने भी बताया है कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं दे गए हैं। और लेखपाल साहब आए थे और प्रशासनिक अधिकारी कोई यहाँ पे अभी तक नहीं आया, ना तो तहसीलदार आए, ना SDM आए हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।